ही होगा कि पत्रकारों ने लगाया 511वां पीपल का पेड़ और उसके बाद एक बरगद व एक नीम का पेड़ लगाकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम की शुरुआत। पिहोवा प्रेस एसोसिएशन ने आज नहरी सिंचाई विभाग विश्राम गृह के प्रांगण में पेड़ लगाकर जागरूक अभियान की कड़ी में नया अध्याय जोड़ते हुए 511वां पेड़ लगाया। प्रेस एसोसिएशन के संरक्षक सुभाष पाल सत्ते की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मानसून के मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, इसी कड़ी को जोड़ते हुए प्रेस एसोसिएशन के प्रधान सुरेश राणा ने समाज के अन्य संस्थाओं से अपील की गई कि वो अपने स्तर पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह घरों में जामुन, आम आदि जो फल खाते हैं उनकी गुठलियां इकट्ठी करते रहें। जब वह किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो इनको साथ लेकर जाएं। बस व अन्य वाहनों की खिड़की से सड़क किनारे इन्हें गिराते जाएं ताकि इन बीजों से नए पेड़ पौधे उग जाएं। आंवला, कदम, धाक, पीपल, नीम, बरगद के पेड़ लगाने का धर्म ग्रंथ भी ज्ञान देते हैं। इसके साथ अन्य किस्म के पेड़ भी लगाएं। इस मौके पर हरिकेश राणा, प्रमोद सैनी, विकास राणा, जसपाल सैनी, मुकेश डोलिया, विनोद प्रजापति, जगीर मोर, रोशन शर्मा, शिव कुमार, राजेश, जयपाल मुंडे आदि मौजूद रहे। फैल रही बीमारियों को दूर करने के लिए पर्यावरण का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। पर्यावरण की शुद्धि के लिए ही वृक्षों को पालना, पेड़ लगाना अति आवश्यक है। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के इसी कड़ी में प्रेस एसोसिएशन पिहोवा द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज इस कड़ी में 511वां ये पेड़ पीपल का यहाँ पर सिंचाई विभाग के कार्यालय जो है उसके प्रांगण में लगाया जा रहा है। ये 511वां हम पीपल का वृक्ष लगा रहे हैं। ये पेड़ लगाओ अभियान प्रेस एसोसिएशन पिहोवा का लगातार जारी रहेगा।